हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90s। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ मैथ का पार्ट 4, जो कि यूपी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने इसके पहले सीखा था कि स्थानीय मान और अंकित मान से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन कुछ कैसे किए थे स्थानीय मान और अंकित मान के। ठीक, चलिए जैसे मान के चलिए स्थानीय मान और अंकित मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है, हम लोग को किस तरीके से निकालना है ये हम बता दे रहे हैं, और उसके बाद में फिर अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान ज्ञात करना। ऐसे गिनती लिखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से गिनती लिखी हुई है, तो इसका स्थानीय मान 2 है। ये किस स्थान पर है, पाँच पर है। ठीक है, दूसरे पर है, तो ध्यान समझिएगा, 5 के बाद में एक गिनती आ रही है, तो 10 बढ़ा लेंगे, और 2 है यहाँ पर। ठीक है, 2 उतार लेंगे, 1 2 2 गिनती उतार लेंगे, और इसी तरीके से अपन लोग 5 के बाद में 1 2 और 3 गिनती उतार लेंगे। तो ये होता है हमारा स्थानीय मान। और यदि पूछ लिया जाता है अंकित मान क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो अपन लोग को अंकित मान ज्ञात करना है। तो अंकित मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस गिनती का अंकित मान हो जाएगा केवल 2, ठीक है, और इस गिनती का अंकित मान हो जाएगा केवल 5, इस गिनती का अंकित मान हो जाएगा 2, और इस गिनती का अंकित मान हो जाएगा केवल 5। तो इस तरीके से हमारे अंकित मान निकल सकते हैं। तो कभी भी ये कन्फ्यूजन मत होइएगा सभी लोग कि अंकित मान और यहाँ पर स्थानीय मान में डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अंकित मान वही गिनती होती है, और स्थानीय मान हमारा जो होता है वो एक मतलब गिनती के बाद में हम लोग 0 लगा करके इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी काफ़ी सारे किए थे। अब हम लोग चलेंगे कुछ नए क्वेश्चन की ओर में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपी बीटीसी में, अंकों से ही रिलेटेड रहता है। तो अंकों से रिलेटेड कैसे हैं कुछ क्वेश्चन हमारे आज नया टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे, वही मतलब क्वेश्चनों का नया पैटर्न चलेगा। तो नया पैटर्न क्या है, आज हम लोगों को अंक बनाना पड़ेगा, यानी संख्या, अंक दिए रहेंगे और हमको एक संख्या बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ अंक दिए रहेंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो उनकी संख्या बताइए। तो अपन लोग आज यहाँ पर चलेंगे कि कुछ अंक दिए रहेंगे और उनसे आप लोग को कह दिया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और छोटी से छोटी संख्या बनाइए। तो अपन लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, और सभी लोग यदि लाइव क्लासेस चाहते हैं तो मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में। ठीक है, अपन लोग पहले रिकॉर्डेड ही क्लास लेंगे, उसके बाद में फिर लाइव क्लासेस अपन लोग लेंगे। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक का ज़रूर बटन दबाइएगा। ठीक है, तो अपन लोग चलेंगे, ठीक है, आज हम लोग संख्या बनाएंगे। ठीक है, अंकों से संख्या का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा अंकों से संख्या बनाना। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है अंकों से संख्या। ठीक है, अंकों से संख्या बनाना। तो अंकों से संख्या हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे। अब जैसा कि आज हम लोग कुछ चलते हैं, जैसे कि लेकर के क्या है, आप लोग का जैसे अंक दिया गया है, मान के चलिए दिया गया है 2 5 1 और 3। हम लोगों से कह दिया गया कि दिए गए अंकों से, ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल के बताइए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी गिनती को ले लेंगे। अगर हम लोग से कह दिया गया कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, बड़ी संख्या निकालिए और छोटी संख्या निकालिए, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटी और बड़ी संख्या दोनों निकलवाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे बड़ी गिनती है 5, तो सबसे पहले 5 नोट करेंगे, फिर 3 नोट कर लेंगे, और फिर 2 नोट कर लेंगे, और फिर 1 नोट कर देंगे, जो कि सबसे छोटी संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये सबसे बड़ी संख्या बन करके सामने आ गई है। अब यदि हमको छोटा बनाना है तो हम लोग कुछ नहीं, इसको जस्ट उल्टा लिख लेंगे, 1 2 और 3 और 5।
इस तरीके से हमारी ये दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हमारे कुछ नए इसी के ऊपर रहेंगे, कुछ अलग हट के रहेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अन्य एग्जाम्पल भी लेकर के चेक कर लेते हैं। जैसा कि अगला दिया गया है 7, 2, 5, 6, 3 इस तरीके का दिया गया है और सबसे बड़ा बताना है, ठीक है। तो बी और स्मॉल हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। बड़ी गिनती बतानी है तो बड़ी गिनती बताने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सबसे बड़ा अंक को चूज़ कर लेंगे। सबसे बड़ा अंक है हमारा 7, तो सबसे पहले 7 हो जाएगा। इससे छोटा अंक हमारा 6 हो जाएगा, इससे छोटा है 5 और इससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ये गिनती बन करके सामने आ गई, जो कि सबसे बड़ी गिनती है इन अंकों से बनने वाली। अब आगे देख लेते हैं इन अंकों से बनने वाली गिनती को, छोटी गिनती हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे ये बड़ी बनी हुई है, इसी को हम उल्टा पीछे से लिख लेते हैं, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी गिनती हो जाएगी। यानी कि अंकों से दी हुई गिनती को हम लोग छोटा और बड़ा किस तरीके से निकालेंगे, आपको जहाँ सामने बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए हम और भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमको एग्जाम्पल करना है। आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मान के चलिए 9 दिया गया है और 7 दिया गया है और 2 दिया गया है, 8 दिया गया और 6 दिया या फिर 6 दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल के बताइए, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इस पर हमारे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी गिनती को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उससे छोटी गिनती को, फिर उससे छोटी गिनती को, फिर इससे छोटी गिनती को और लास्ट में सबसे छोटी गिनती को लिखेंगे। इस तरीके से हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं UPBTC में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे क्या है हमारा, जैसा कि छोटी गिनती निकालना है तो सबसे छोटी गिनती लिख लेंगे और इसी से हम लोग वापस करके चले आएंगे। इस तरीके से हमारी ये सबसे छोटी गिनती निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन, कि अलग प्रकार के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाना है इन अंकों के द्वारा। चलिए हम लोग उस टाइप 2 को लेकर के चलते हैं। ये हमारा टाइप 1 था, अब हम लोग टाइप 2 को लेकर के चलते हैं कि टाइप 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 2 में हमारा क्या रहेगा, जैसे हैशटैग 2 में रहेगा हमारा क्या रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से गिनती दिया गया, जैसे 1 दिया गया, 0 दिया गया और 5 दिया गया और 6 दिया गया है। आप लोगों से क्या दिया गया, बड़ी और छोटी संख्या बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाने के लिए जैसे कि मैंने अभी कहा है कि सबसे बड़ी गिनती को ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी गिनती क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में 5 हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम तो बड़ी गिनती निकाल लेंगे। अब हम लोगों ने अगली बार में क्या सीखा, उल्टा लेकर के चलेंगे, ठीक है। 0 लेकर चलेंगे, 5 लेकर, 1 और 5 और 6, इस तरीके से हमारी छोटी गिनती निकल के आ जाएगी। लेकिन ये हमारी गिनती एकदम गलत है। अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा। अब हमको इसको सही कैसे करना है, तब तक के लिए मैं इंक डाल लेता हूँ, शायद आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं इंक डाल लूँ, उसके बाद में आगे मैं इसको बताऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे इसमें क्या करेंगे, आखिर में सही आंसर क्या होगा। तो जब भी आप लोग को 0 देखने को मिले तो आप लोग क्या करिएगा, जो यहाँ पर गिनती है इस गिनती को सबसे पहले कर दीजिए और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो 1, 0, 5 और 6, इस तरीके से हमारी ये क्या बन जाएगी, सबसे छोटी गिनती बन जाएगी। तो दोस्तों क्योंकि 0 अगर शुरू में लग जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, यदि बीच या लास्ट में लगता है तो हमारा इसका मतलब रहता है।
इस तरीके से यह हमारी जो है चार तीन अंकों के ही केवल निकली, अंक हमको दिए गए थे चार, तो सबसे छोटी गिनती चार अंकों की हो जाएगी, 1, 0, 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब चलिए इस पर हम लोग दो एक एग्जांपल लेकर के इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप लोग को एक अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं कि अलग कुछ दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही आएगा कि नहीं सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके के कुछ एग्जांपल दे दिया गया और आपसे कह दिया गया बिग और स्मॉल गिनती को बताइए, यानी बड़ी और छोटी संख्या को आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व आउट कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो जितने भी बच्चे BTC वाले हैं और देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल सके। देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या है कि गाइडेंस न मिल पाने के कारण आप लोग के नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके BTC में नंबर कम हो जाएंगे, जिससे कि यदि आपको जैसे जॉब वगैरह है, टीचर्स की जॉब है, यदि आपको मिलने में प्रॉब्लम आएगी अगर ना आपके नंबर कम रहेंगे। अगर आपके नंबर ज़्यादा रहते हैं तो आपको जॉब जल्दी से मिल जाती है और आपकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो एक बार कायदे से पढ़ाई कर लीजिए सभी बच्चे, और अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को जॉब मिल गया। अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो बेहद मुझको खुशी होगी कि आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त हुआ है। चलिए, हम लोग एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, तो आप लोग भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि हमसे पहले आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं आखिर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वे नोट्स ज़रूर बना लें एक बार। यदि आप लोग कंटिन्यू चैनल से जुड़े हैं तो नोट्स बना के रखिए, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में आसानी होगी। चलते हैं आगे, इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी गिनती ले लेंगे 9, और फिर इससे छोटी 6, और फिर 5 और 0। इस तरीके से हमारी बड़ी बन के आ गई। अब छोटी के लिए हमने कहा क्या, इसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे, इस वाली को सबसे पहले लिख लो, फिर 0 को नोट करो, फिर 6 को नोट करो, फिर 9 को नोट करो। इसके अकॉर्डिंग ये हमारी सबसे छोटी गिनती बन करके आ गई, यानी कि दिए गए जो अंक होते हैं उनसे बड़ी और छोटी गिनती को कैसे निकाला जाता है, ये आप लोग को बहुत ही आसानी से समझाया गया है यहाँ पर। अगर आप लोग को सिलेबस के बारे में जानकारी लेना है कि मैथ में हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, तो आप लोग एक बार चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मैथ का सिलेबस भी बताया जाएगा। ठीक है, और आगे हम अभी हिंदी की क्लास लाने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हिंदी देखना चाहते हैं, हिंदी की वीडियो चाहते हैं, वो चैनल के द्वारा जुड़े रहें, चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरी हेल्प किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से और भी एग्जांपल हमारे पास दिए गए होते हैं, उन एग्जांपल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हैशटैग 2 में है, सभी बच्चे याद रखिएगा, ये दूसरा मतलब टाइप है, एक टाइप मैंने इसके पहले डिस्कस किया है आप लोगों के सामने। जैसे कि अगला दिया गया 7, 5, 0 और 3 दिया गया है, और मान के लिए 4 दिया गया, और आपसे पूछ लिया गया भैया बड़ी और छोटी गिनती को आप लोग बताइए। ठीक है, तो बड़ी और छोटी गिनती बताने में आप लोग बड़ी तो बता लेते हैं आसानी से, लेकिन छोटी में वही मैंने जो अभी समस्या बताया है वो आप लोग समस्या कर देते हैं, लेकिन आपको डरने वाली बात नहीं है। आप बड़ी गिनती सबसे पहले लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। इस तरीके से अपन लोगों की गिनती इस बन जाएगी, और फिर क्या करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर 0 से स्टार्ट कर दीजिए और सारी चीज़ें वैसे लिख लीजिए, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, छोटी गिनती बन जाएगी। इस तरीके से हमारी जो ये टॉपिक था दोस्तों, तो ये मैं बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा और एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आएगा, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उस प्रॉब्लम की को सॉल्व करने की कोशिश भी किया जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चों का BTC में एडमिशन नहीं हुआ है वे फेज 2 में जा करके अपनी काउंसलिंग करवा दें, चूँकि अभी भी 90,000 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, और फेज 2 की काउंसलिंग जो है 19 अगस्त से स्टार्ट होना है, तो सभी बच्चे जो है 19 अगस्त में जा करके, ठीक है, अपनी काउंसलिंग को करवा लें, मतलब काउंसलिंग से एडमिशन करवा लें, जिससे कि वे पढ़ाई उनकी सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अभी क्या हुआ था कि काउंसलिंग हम लोगों की 5 अगस्त तक चली थी, और वहीं तक हम लोगों ने एडमिशन करवाया, 6 अगस्त से बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है,
तो जैसा कि आप लोग आज जानते हैं, आज 8 अगस्त है और मेरे काफ़ी वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। उन सभी वीडियो को आप लोग लिंक के माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले दिन आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।